क्रीमिया के सेवस्तोपोल में बड़ा हमला हुआ है। दावा यह है कि यूक्रेन के 16 ड्रोन से सेवस्तोपोल में रूस के जंगी जो जहाज हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। हालांकि रूस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के 4 ड्रोन को मार गिराया है। क्रीमिया के सेवस्तोपोल में ये बड़े अटैक की जानकारी सामने आ रही है और अब की बार ये टारगेट किया गया है ड्रोन से। क्रीमिया के सेवस्तोपोल में ये बड़ा अटैक हुआ है, रूस के जंगी जहाज पर बड़े हमले का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। और बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि यूक्रेन ने 16 ड्रोन से अटैक किया है। समंदर में रूस के ठिकानों पर प्रहार, क्राइमिया के रास्ते रूस पर बड़ी चोट, यूक्रेन के हिटमैन ने मचाई तबाही, एक धमाका और बड़ी तबाही, ऐसा धमाका कि रात के अंधेरे में दिन जैसी रोशनी दिखने लगी। बताया गया कि तस्वीरें क्राइमिया के सेवस्तोपोल से आई हैं, जहां यूक्रेन ने रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया। सेवस्तोपोल में रूस के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यूक्रेन के 16 ड्रोन ने रूस के ठिकानों पर प्रहार किया। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच मैदान में जोरदार जंग चल रही है। रोज रोज जंग के मैदान में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी रूस की सेना यूक्रेन के ठिकानों पर बड़ी तबाही मचाती है, तो कभी यूक्रेन पलटवार कर रूस के ठिकानों को तबाह कर देता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने रूस को सबक सिखाने की ठान ली है। यही वजह है कि अब यूक्रेन रूस को समंदर के रास्ते घेरने में लगा हुआ है। क्या इसी तरह उड़ा क्राइमिया का पुल? क्या क्राइमिया बनेगा युद्ध का नया मैदान? क्या क्राइमिया के रास्ते रूस में आएगी बर्बादी? क्राइमिया के सेवस्तोपोल में जिस तरह से यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया, सवाल उठे कि क्या इसी तरह यूक्रेन ने क्राइमिया का पुल उड़ाया था जिससे पुतिन भड़क गए थे। इसके बाद कीव में रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जिस तरह से यूक्रेन के ड्रोन ने तबाही मचाई, एक बार फिर पुतिन की सेना इसका बदला ले सकती है। हालांकि ये भी बताया गया कि जब यूक्रेन के ड्रोन ने क्राइमिया के सेवस्तोपोल में कहर बरपाया, तो रूस की सेना तुरंत हरकत में आ गई। रूस के जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर ने पलटवार कर दिया। दावा है कि रूस के पलटवार में यूक्रेन के 4 ड्रोन तबाह हो गए, लेकिन जब तक रूस की सेना हरकत में आई, यूक्रेन के ड्रोन अपना काम पूरा कर चुके थे। जाहिर है जिस तरह से जंग में यूक्रेन युद्ध नीति को अपना रहा है, तनाव और बढ़ने वाला है और जंग के मैदान में भीषण तबाही की और तस्वीरें सामने आ सकती हैं।